हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि सुबह सुबह ही बारिश लग गई है, तो मेरे हस्बैंड को पकोड़े बहुत पसंद है। तो फ्रेंड हमारी जो शुरुआत है ब्रेकफास्ट हमने जो किया है वो पकोड़े और चाय का किया है। फ्रेंड ये देखिए, ये आलू और प्याज के पकोड़े हैं और अभी गोभी के बनाऊँगी फ्रेंड। और सुबह सुबह मॉर्निंग में पकौड़े खाने से कोई ऐसे हैवी भी नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम कुछ हैवी खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड। और अभी नाश्ता करेंगे फ्रेंड, पकौड़े अभी बना रही हूँ और उसके बाद खाएंगे। उसके बाद आपके साथ क्या रूटीन होगी पूरे फुल डे वो आपको मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी फ्रेंड। आप किस किस को बारिश के मौसम में पकौड़े अच्छे लगते हैं और कौन कौन अपने घर में ये कंपल्सरी बनाता है कि पकौड़े बनाने हैं। और अगर बारिश हुई है फ्रेंड, जब भी बारिश होती है मेरे हस्बैंड तो तभी मेरे को शॉप पे से भी फ़ोन कर देते हैं कि बारिश हो रही है आज पकौड़े बना लो। तो फ्रेंड हम तो पकौड़े बनाते हैं जब भी बारिश होती है, लेकिन सुबह सुबह बना लेते हैं क्योंकि सुबह पकौड़े खाने से हैवी नहीं होता, मतलब पेट हैवी नहीं होता, गैस वगैरह नहीं बनती पेट में। और बेसन के पकौड़े अच्छे होते हैं फ्रेंड, जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है मैदा होता है जिनमें, वो चीज़ें ख़राब होती हैं, पकौड़े इतने ख़राब नहीं होते। तो फ्रेंड अभी खाएंगे हम पकौड़े और उसके बाद जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने चाय पकौड़े खा लिए हैं और अभी पड़े हैं ये बर्तन साफ़ करूँगी फ्रेंड। ये देखिए कितने सारे हो गए हैं और इधर सारा काम अभी तो किचन का ऐसे ही पड़ा है फ्रेंड। पापा चले गए यहाँ पकौड़े खा के बच्चों के, और आज हमने नाश्ते में पकौड़े ही बनाए थे और कुछ नहीं बनाया। तो ये बेडशीट थी फ्रेंड जो मैंने धुली थी, रात बारिश आ गई थी तो इसको अंदर रख लिया था और ये सूख गई है फ्रेंड, अब इसको तैल करके रख दूंगी। तो फ्रेंड अब बच्चे अभी बैठे हैं, मैं बड़ी वाली गुड़िया के पास ही बैठी थी क्योंकि फ्रेंड इसको थोड़ा सा रात, इसने पता क्या किया, मैंने जो पपाया था वो काट के इसके पापा को दिया और इसके पापा चला रहे थे फोन, साथ साथ खा भी रहे थे और ये ज्यादा खा गई और इसको क्या हुआ फिर उससे लूज मोशन लग गई। रात दो तीन बार ये पोटी इसको हुई और अब ठीक है, लेकिन मैंने फिर इसकी दवा कर दी है, इलाज इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है क्योंकि बच्चों की दवाई मैं घर पे ही रखती हूँ और अभी ठीक है। लेकिन मैंने इसको बोला कि तू आराम कर, और अभी इसने कुछ खाया नहीं है। अब इसको खिचड़ी बना के दूंगी फ्रेंड, खिचड़ी खाएगी। थोड़ा सा ऑरेंज दिया था मैंने इसको, वैसे ही कह रही मेरे को ऑरेंज खाना, मेरे को कह रही वॉमिटिंग का मन हो रहा है, मैंने कहा चल थोड़ा सा ले ले, बस एक दो पीसेस ही दिया था मैंने इसको ऑरेंज का और वो खाया है इसने, अभी कुछ नहीं खाया, कह रही मेरे को भूख भी नहीं है। और जैसे कि फ्रेंड बच्चों को इतना हो जाता है तो इतनी जल्दी खाना भी नहीं देना चाहिए, बस पानी का ध्यान रखना चाहिए। ORS इसको मैंने दे दिया है और अभी खाना इसको मैं थोड़ी देर में दूंगी, और दूंगी भी इसको खिचड़ी बना के और कुछ नहीं दूंगी। पापा ने इसके ध्यान ही नहीं दिया, आप खुद फोन चला रहे थे और ये ज्यादा खा गई क्योंकि थोड़ा। अब इसके पास ही बैठूंगी, काम बाद में करूंगी, मेरे को बोल रही है कि आप मेरे पास बैठ जाओ और मैं इसी के पास बैठूंगी अभी, उसके बाद करूंगी काम और इसको खिचड़ी बना के दूंगी। और ये छोटी वाली देखिए, ये भी बैठी है फ्रेंड, अभी पहले थोड़ी देर इनके पास ही बैठूंगी उसके बाद करूंगी काम। ये देखिए फ्रेंड, अभी बना रही हूँ मैं मूंग और मसूर की दाल। और फ्रेंड मेरी बेटी बोली कि मेरे को ना ये खिचड़ी नहीं खानी, मेरे को तो दाल खानी है, इसको दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड मैंने कहा चलो पेट भर लेगी, दाल भी अच्छी है पेट के लिए, चलो दाल खा लेगी। फ्रेंड आज इसको रात इसको लूज मोशन लग गई थी और वॉमिटिंग भी हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और पपाया, इसके पापा टीवी देख रहे थे, पता नहीं फ़ोन चला रहे थे, तो इसने पपाया ज़्यादा मतलब खा लिया तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और इसलिए हो गया था। चलो पेट साफ होना तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा हालत बिगड़ जाती तो होता, लेकिन अभी ठीक है, दवाई वगैरह इसको मैंने दे दी थी और इसका पेट अभी मैंने भूखा ही रखा, बस पानी का ध्यान रखनी हो, ज़्यादा पानी मतलब पीना चाहिए लूज मोशन में या वॉमिटिंग में, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी मैंने इसको दे दिया है, हल्का गुनगुना पानी मैं इसको दे रही हूँ। और फ्रेंड दाल बना रही थी साथ ही साथ घर का काम भी कर रही थी। ये देखिए इधर सारे कपड़े रखे हुए हैं फ्रेंड, ये सारे इधर बेडशीट मैंने झाड़ के बिछानी है, ये बेडशीट बिछाऊंगी और साथ ही साथ उसके बाद फिर झाड़ू भी लगाऊंगी और इतने में दाल भी बन जाएगी, फिर इसको मैं दाल खिलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड सारा काम कर दिया घर का, झाड़ू और ये बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। और इधर देखिए फ्रेंड यहाँ पे कितना ज्यादा कपड़े पड़े थे, सब मैंने समेट लिए हैं और सारा काम हो गया है फ्रेंड घर का। बाहर मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि फ्रेंड बारिश हो रही है और मिट्टी वाले पैर बाहर आते जाते रहते हैं तो वैसे ही गंदा हो जाता है, फिर बाहर पोछा नहीं लगाया, लेकिन अंदर सारा साफ कर दिया, किचन भी सारा साफ हो गया और बच्चों की दाल भी बन गई है। मैं देखिए दाल भी बन गया और अब इनको मैं दाल खिलाऊंगी पहले, क्योंकि बड़ी वाली गुड़िया ने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैंने उसको दिया भी नहीं क्योंकि अभी पेट को मैंने कहा रेस्ट मिलने दो, अब इसको दाल खिलाऊंगी फ्रेंड। फ्रेंड शाम के 3 बज गए हैं और इन्होंने खाना खा लिया है और ये देखिए बड़ी छोटी वाली तो टीवी देख रही थी, भजन सुन रही थी, ये भजन बहुत सुनती है फ्रेंड। और ये बड़े वाली सो गई है फ्रेंड, ये देखिए ये सो गया, कह रही मम्मा मैं भी आपके पास ही सोऊंगी, क्योंकि बच्चा जब बीमार पड़ जाता है ना फ्रेंड तो वो अपनी माँ के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। और ये मेरे पास भी आज सोई हुई है, वैसे डेली दोनों मेरे साथ ही सोती हैं
लेकिन आज कह रही मम्मा आप तो यहाँ पे बाजू पे सर रख के सोऊंगी। मैंने कहा चलो सो जा, और ये सो रही है। फ्रेंड आज इसको शाम को खिचड़ी बना के दूंगी, और इन्होंने दाल खा ली थी 2 बजे खा ली थी दाल तो इन्होंने, और अभी तो इसकी तबीयत तो ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी सुस्त है। मैंने कहा तो सो जा, सोने से भी बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होती है। और ये अभी भजन सुन रही है, ये पहले सो गई थी, जब ये सो रही थी तो मैंने उस वक्त सारा काम कर लिया था तकरीबन, और ये अब उठ गई है फ्रेंड, और अभी सोएगी नहीं। और आगे शाम का क्या प्रोग्राम होगा फ्रेंड, आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, मेरे को तो आज मैं तो इसी पे लगी हुई थी, बस काम कर दिया था और इनको लेके बैठी हुई थी मैं, बस अभी ये सोएंगी। अब अगर छोटे वाली सोजेगी तो इनके साथ मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी, नहीं तो इनको लेके बैठी रहूंगी। फ्रेंड शाम के 7 बज गए हैं और मैंने 2 जगा दी थी फ्रेंड, करन्नम के लिए, बड़ी वाली गुड़िया के लिए बनाई है मैंने खिचड़ी, क्योंकि उसका पेट खराब था। अभी ठीक है लेकिन फिर भी मैं उसको लाइट खाना ही दूंगी फ्रेंड, खिचड़ी उसके लिए बन रही है। और फ्रेंड अभी मैंने आटा गूंद दिया है और अभी मैं फुलके बनाऊंगी अपने हस्बैंड के। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड आटा मैंने गूंद दिया था और खिचड़ी बन रही है, बस अपने हस्बैंड के लिए ही मैंने फुलके बनाने हैं। मैं और तरन्नम तो खिचड़ी खाएंगे और छोटी वाली गुड़िया भी खिचड़ी खा लेती है। और फ्रेंड काम सारा हो गया तकरीबन, शाम को तो कोई इतना ज़्यादा मेरे को काम नहीं होता सुबह ज़्यादा। फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग? फ्रेंड अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और मेरी वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।